मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के रशीद कंपाउंड बॉस्को स्कूल के पास नाइक अपार्टमेंट में रहने वाले एक ही परिवार के 3 बच्चे कल यानी 22 सितंबर की सुबह से लापता हो गए हैं। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ये बच्चे सुबह 7:30 बजे MM वली पर TMC स्कूल में पढ़ने जाने के लिए घर से निकले थे, मगर 2 दिन गुजर जाने के बाद भी ये 3 बच्चे अपने घर वापस नहीं लौटे। लापता हुए इन बच्चों के नाम है नाजिया बानो, ये 8वीं में पढ़ती थी जिसका उम्र 14 साल है, और इसका छोटा भाई नाजिम अली शाह जो 6वीं में पढ़ता है इसकी उम्र 12 साल है, और उससे छोटा भाई शोएब अली शाह जो 5वीं में पढ़ता है इसकी उम्र 11 साल है। बच्चों के पिता नौशाद अली और माँ साइना बेगम और खाला आलमीन ने बताया कि रशीद कंपाउंड के नौसीन अपार्टमेंट में लगे CCTV में इन 3 बच्चे की तस्वीर कैद हुई है। ये तस्वीर देख सकते हैं आप कि ये 3 बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद फिर ये बच्चे वहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये रोड की तस्वीर है जहाँ ये बच्चे आगे की तरफ जा रहे हैं, और उसके बाद फिर इनकी जो तीसरी तस्वीर है वो मेन नाके पर इनकी ये तीसरी तस्वीर जो है दिखाई दे रही है। इसके बाद से इन बच्चों का कुछ पता नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि कई दिनों से बच्चा चोरी की अफवाह चल रही थी, और इसी अफवाह के बीच अब एक ही परिवार के 3 बच्चों के गायब होने की खबर सामने आने के बाद लोगों में डर का माहौल फिर बन गया। अगर आपको इन बच्चों के बारे में कहीं भी कुछ जानकारी मिले या ये बच्चे आपको दिखाई दें तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं या फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन से भी संपर्क कर सकते हैं। एक ही परिवार के 3 बच्चे गायब होना, क्या बीत रही है माँ बाप पर, तस्वीरें बच्चों की हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही 3 बच्चे हैं जो कल 22 सितंबर से लापता हैं। इस गरीब माँ बाप की आप मदद कर सकते हैं इन बच्चों को ढूंढने में। क्या नाम है आपका? नौशाद अली सर। आपके 3 बच्चे कल स्कूल जा रहे थे, तब से लापता है, लगभग 24 घंटे का वक्त गुजर चुका है। पुलिस में कंप्लेंट किए हैं और अभी तक जो तलाश किए कुछ इन्फॉर्मेशन उनके बारे में मिली नहीं मिली, इसके बारे में आप बताइए जानकारी। अभी इन्फॉर्म कुछ नहीं मिला मुझे, कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ कहाँ नहीं है। अच्छा, बच्चों का नाम क्या था 3 का? बच्चों को लड़की का नाम नाजिया बानो था, वो 14 साल की लड़की थी, और उसके बाद छोटा लड़का नाजिम अली वो 12 साल का है, और सबसे छोटा लड़का शोएब अली वो 11 साल का है। कुछ CCTV फुटेज वगैरह आपको मिली है इन लोगों की? CCTV फुटेज वगैरह कुछ मिला है इन लोगों का? हाँ, थोड़ा जानकारी मिली है मुझे। क्या क्या दिख रहा है फुटेज में? उसमें कल दिख रहा है रिक्शे के पास जाते हैं। रिक्शे में बैठते भी हैं या सिर्फ? रिक्शा तक जाते हैं और दिखते नहीं कि बैठते कि नहीं बैठते। कहाँ का है वो फुटेज? ये अपना कौसा अजुआ के पास का है, कौसा गांव। ये सुबह 7:30 बजे स्कूल के लिए जा रहे थे? हाँ, स्कूल के लिए 7:30 बजे यहाँ से गए थे। पुलिस में कंप्लेन वगैरह किए कुछ? जी, कंप्लेन किया था मैंने। आप बच्चों की माँ? जी। क्या नाम आपका? साहिन बेगम। कल से आपके ये 3 बच्चे लापता हैं, एक लड़की है, 2 लड़के हैं, एक ही घर के 3 बच्चे लापता हो गए हैं। मेरे 3 बच्चे गए हैं, नाजिया, नाजिम, शोएब। आप लोग से हाथ जोड़ के बोलती हूँ, कहीं भी देखो मोबाइल नंबर मैं इसमें डालती हूँ, उस पर फ़ोन करो, कहीं भी देखो पुलिस चौकी में कहीं भी या किसको भी फ़ोन करो, मीडिया वालों को भी या तो पुलिस स्टेशन में या हमको। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम आदमीन है। अच्छा, आप क्या लगते हैं बच्चे? कि मैं उनकी खाला हूँ। खाला है। क्या कहेंगे आप, 3 बच्चे जो है लापता हैं, अभी 24 घंटे से ज़्यादा वक्त लगभग गुजर चुका है। बहुत डर लग रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ है कहाँ नहीं है। प्यासे बच्चे लोग सुबह गए हैं बस। किस हाल में है, किस हाल में नहीं है। रेलवे वगैरह में भी आप जाकर आई थी? जी, तो स्टेशन पे भी गई थी। हाँ। सर ने नंबर लिया है और अपना नंबर दिया है, 8 बजे कॉल करने बोले हैं,
बोले हैं कहीं पता चलेगा तो हम आपको कॉल कर देंगे। सब जगह हाजिरी सब जगह घूम के आई हूँ, कहीं नहीं देखी, बहुत ढूंढी हूँ कल से मैं नाचे। आप लोगों को कहीं दिखे तो फोन कर देना है नंबर। तीनों बच्चे बहुत अच्छे थे, वहाँ से आते थे बोलते थे खाला देखो ना मुझे खिचड़ी दिया, बहुत अच्छी थी, दाल चावल दिया मैं मुझे खाला, आगे कुछ पूछते भी नहीं थे तो बताने लगते थे। पुलिस ने एफआईआर लिया पुलिस ने जी, अभी तक कुछ मालूम नहीं पड़ा है, कहीं से कुछ नहीं मालूम पड़ा है।